बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से तमाम मेंबर्स की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरोफियत से होंगे और इस इंतज़ार में होंगे कि सरदार साहब कब हमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हाउसिंग प्रोजेक्ट की गुड न्यूज़ देते हैं, कब सरदार साहब की वीडियो आती है। तो आप तमाम अहबाब का तह दिल से मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ जो मेरी टॉप 10 मार्केटिंग के साथ जुड़े रहते हैं और मेरी वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि जो मेरे पास मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की ज़बानी जो भी बात हो, तो मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपने मेंबर को, अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को जो है वो मिनुअन वही बताऊं जो कि ऑफिशियल हो। मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो मैं आप तमाम मेंबर्स तक शेयर करता हूँ। इस टाइम मार्केट में एडवांस बुकिंग का आगाज़ बहुत सारे लोगों ने कर दिया है और उन्होंने कहा जी ये लोकेशन होगी, वो लोकेशन होगी। तो इस किस्म की बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी कॉल्स मुझे भी आई। तो आज की वीडियो, इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कल की वीडियो आपने मेरी देखी, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की ज़बानी आपने कंप्लीट वीडियो मैंने 28 मिनट की अपलोड की है। उसमें उन्होंने तमाम तर अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल मरगला सिटी की तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के बारे में बताया कि मैं इनकी डेवलपमेंट 10% से 100% के ऊपर लेके जाऊंगा। फैसल हिल्स के ऊपर बात हुई कि मार्केट गिर चुकी है, उसकी तरफ आप नज़रसानी करें। तो उन्होंने ये कहा कि मैं 50 लाख वाला प्लॉट अगले एक साल में 1 करोड़ रुपए का होगा और मैं उसकी बाईबैक पॉलिसी देता हूं। अभी तो बात हुई है बाईबैक पॉलिसी की, वो तो टाइम आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने बात यही की है, तो न जाने क्या करने जा रहे हैं। तो उनके ऊपर भी हमने यही कहा चोई साहब को कि सर आप अपने फैसल हिल्स के ऊपर भी नज़रसानी करें और प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट को तेज़ करें। तो उन्होंने कहा बारिशों का मौसम था जिस वजह से ये डेवलपमेंट रुकी हुई थी। बहरहाल नए प्रोजेक्ट का सबको इंतज़ार है, उसकी तारीख का हतमी ऐलान 12 अक्टूबर को, यानी 12 अक्टूबर को आपके पे आर्डर, आपकी सबमिशन और आपकी तमाम तर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि लोकेशन इस टाइम, पहले 3 कहते थे अब 4 लोकेशन है। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या ड्रामा है कि आप हमें लोकेशन सरदार साहब बता नहीं रहे और आप कह रहे हैं जी अभी फिर वही गेम कर रहे हैं हमारे साथ। तो मेरे भाई, मेरे पास जब तक ऑफिशियल मैनेजमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मैं आपको कैसे मिसगाइड करूँ, मैं कैसे आपसे अमाउंट पकड़ूँ, कैसे आपको बताऊँ कि 5 मरले का रेट जो है वो 20 लाख होगा, 25 लाख होगा, 30 लाख होगा। अब चौधरी साहब के पास 3 किस्म की लोकेशन हैं, ठीक है जी। एक उनके पास जंग बातर के ऊपर है, एक थलिया के ऊपर है और एक चक्री इंटरचेंज के ऊपर है, ठीक है जी। अब ये 3 लोकेशंस के ऊपर वो यही कह रहे हैं कि मैं 12 से पहले तमाम रजिस्टर्ड REC को, जो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है REC में ZM इंटरनेशनल के हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं 4-5 लोगों को वहां पर बुलाऊंगा, विजिट करवाऊंगा और वहां पर फिर हम फाइनल करेंगे कि हमने ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है हमने कहाँ पर लॉन्च करना है। तो उसकी अभी लोकेशन इसलिए फाइनलाइज नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि 12 अक्टूबर उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट बन जाएगी, ब्रोशर बन जाएंगे और उसके लिए कितने परसेंट एडवांस बुकिंग होगी, पे ऑर्डर्स, तमाम तर तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए यह है कि जो मेंबर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या नए प्रोजेक्ट के बारे में हमें बार बार इस चीज़ के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, तो वो जस्ट ये स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया जा रहा है, वो व्हाट्सएप कर दें कि आपका नाम क्या है, आपका सिटी क्या है, हम उसको अपने मोबाइल में रजिस्टर कर लेगी मेरी टीम और इंशाल्लाह जो ही ये प्रोजेक्ट का ब्रोशर आएगा, रेट आएगा, तो आपके सामने वो रख दिया जाएगा और उसकी बुकिंग का प्रॉपर आगाज कर दिया जाएगा। अब उसके ऊपर उससे कबल वक्त जो है आपसे पेमेंट पकड़ना, आपसे कमिटमेंट करना, ये अनप्रोफेशनल बिहेव है। ये प्रोफेशनल कंपनीज या कोई लाइबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेता कि कल प्राइस क्या आएगी क्या नहीं आएगी और हम एडवांस में पेमेंट पकड़ लें, रेट क्या निकलता है, लोकेशन क्या होती है, ठीक है। और आपकी समझ में ना आए तो आप कहें जी अगर प्रोडक्ट प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च होता है या आपको उसके प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर लॉन्च होता है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से यही है कि जो प्रोडक्ट है वो आपको लो कॉस्ट होगा और इसके अलावा 25% से जो है वो बुकिंग का आगाज़ होगा और 4 साल की आसान इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होगा और तमाम तर लैंड इक्वायर जो है वो चौधरी साहब ने जिस लोकेशन के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट करेंगे उसके तमाम तर वाजबात, लवाजमात और तमाम तर चीज़ों को जो है
वो क्लियर कर दिया जाएगा और वो क्लियर है, लैंड बाय कर चुकी है कंपनी, सिर्फ उसकी तैयारी जो है वो बाकी है कि रेट क्या होगा, नाम क्या होगा हाउसिंग प्रोजेक्ट का, उसके लिए 12 अक्टूबर तक जो है आपको इंतजार करना होगा। और 12 अक्टूबर को जैसे ही ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, वी आर फर्स्ट इंशाल्लाह ताला कि आपको अपडेट्स उसके ऊपर मिलेगी और हमारी कोशिश होगी। और हमने यही कहा कि मैक्सिमम लोगों को उसके अंदर ओब्लाइज किया जाए, जो भी इसके अंदर मेंबर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी आज की वीडियो यही है कि आपको तैयारी करवाई जा रही है कि आप अपने पास फंड्स को तैयार कर लें। प्रोडक्ट डी ब्लॉक लॉन्च हुआ तो प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च हुआ, तो हमने यही कहा कि सर अगर आप इसको लॉन्च कर रहे हैं तो इसको प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर करें। और बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो असेंटिव की बात करते हैं, रिबेट की बात करते हैं, तो उसके लिए कोई अभी तक क्राइटेरिया जो है नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ कीप इन माइंड रखिएगा, ये ब्रांडेड प्रोजेक्ट है, कोई भी आपको 500,000 या 5,000 10,000 की लालच देकर आप अपने फंड्स को, अपने अमाउंट को स्टक ना कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मेरे नसीब में जो रिस्क होगा, जो चीज़ें होंगी, वो अल्लाह की ज़ात ने मुझे देनी देनी और वो मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो अपनी कमिटमेंट्स को, अपनी चीज़ों को ऑन नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 8 से 9 साल से एक ही ऑफिस में, एक ही जगह पर बैठा हूं। आप ऑफिस विजिट करें या आप देखें, ZM इंटरनेशनल के नाम का अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट का पे ऑर्डर बनता है तो मतलब वो लीगल है, उसके ऊपर अगर वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पेमेंट जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग ओवरसीज क्लाइंट के लिए जो है उसका प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपर यानी वो अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड की कॉपी, नॉमिनी, अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करेंगे और हम उनको अकाउंट देंगे, अपनी कंपनी का भी देंगे और ZM इंटरनेशनल का भी होंगे देंगे। तो अगर कंपनी ने, ZM इंटरनेशनल ने हमसे एडवांस पेमेंट सारी ले ली तो हम फिर अपने अकाउंट में अमाउंट्स मंगवाएंगे, अदरवाइज आपको कहेंगे कि आप डायरेक्ट द नेम ऑफ फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड का पे ऑर्डर हमें दे दें, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें और हम आपकी बुकिंग प्रोसेस कर देंगे, फॉर्म हमारे पास इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। तो गेट रेडी, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ताला जो ही हाउसिंग प्रोजेक्ट की डेट अनाउंस, डेट तो अनाउंस हो चुकी है 12, लेकिन लोकेशन, पेमेंट प्लान आएगा तो इंशाल्लाह ताला आप तमाम माँ बाप को अपडेट कर देंगे। और आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें ज़रूर रजिस्टर कर लें, अपना नाम और सिटी जो है वो ज़रूर लिख दें, ताकि जैसे ये प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर अर्ली एज सोन पॉसिबल आपको वो डिटेल जो है वो व्हाट्सएप कर दी जाए और आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखें, तमाम तर चीज़ें, या अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो वो आप हमें फॉरवर्ड कर दें। पेमेंट का जो स्केड्यूल होगा वो जैसे आएगा, डाउन पेमेंट तो वो इंशाल्लाह ताला आप हमें बाद में कर दी जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर लिमिटेड कोटा होगा, लिमिटेड टाइम होगा। ये नहीं होगा कि बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं नाम नहीं लेता कि उसके ऊपर टूटी खुली रहेगी और आपको उसके से जो है वो पानी आप भरते रहेंगे। तो ये एक गिलास और एक जग वाला हिसाब होगा कि एक गिलास में जितना पानी होता है, एक गिलास में जितना पानी है तो इतना ही हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड होगी और ना कि उसके पास जो है वो हज़ारों उसके ऊपर ज़्यादा बुकिंग होगी। उसके ऊपर 5 मरला 7 मरला 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल के जो है वो प्लॉट्स होंगे, जिसके ऊपर भी आप इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह ताला वही साइज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप तमाम माँ बाप की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल के साथ को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें, ताकि तमाम पर अपडेट्स ZM इंटरनेशनल हो या पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिटेल हो आप तमाम माँ बाप को बर वक्त मिलती जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।